केंद्र सरकार ने पबजी समेत और 118 चीनी मोबाइल ऐप को बैन करने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69(1) के तहत इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि इन ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस बयान में कहा गया है कि मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप अनाधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंड संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग ऐप, लॉक, कैरम फ्रेंड जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 118 मोबाइल ऐपों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें भारत में चलने वाला सबसे फेमस मोबाइल गेम पबजी भी है। यानी कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों को ही भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा आपको केंद्र सरकार का यह फैसला कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।